Hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is Ranjana and aaj ke mere is haul video mein hai bahut hi beautiful se party wear special sequin kurtas hain. Like I have haldi special kurtas, I have daily wear special kurtas, I have embroidery kurtas which I really hope ki aapko bahut pasand aayenge. So agar pasand aate hain to aise aur videos dekhne ke liye mere is video ko like kijiye, channel ko subscribe kijiye, sath hi sath ab bell notification hit karna bilkul mat bhuliyega. And agar aap chahe to mujhe mere Instagram pe bhi follow kar sakte hain. I am uploading a lot of content over there too, so which I really hope aapko wo bhi pasand aayega. And ab shuru karte hain aaj ke mere is haul video se. All right, so aaj ke haul ka mera first kurta hai from the brand V/Z, jisko maine buy kiya hai size S mein. So this is how the kurta looks like. Ye beautiful sa maroon color ka kurta hai, neck pe bahut hi beautiful sa sequin ka work hai aur sath hi sath ye work aapko iski sleeve ke end pe bhi milta hai. Uske alawa front se aur back side se ye kurta plain hai, to is pe jo sequin ka work hai aap इसके शरारा को मतलब इसे शरारा के साथ पहनेंगे या स्कर्ट के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. गोल्डन कलर की शरारा या स्कर्ट के साथ आप इसे मैच कर सकते हैं. इसका कलर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा पार्टी या वेडिंग अप्रोप्रिएट कलर है. अगर आप एज अ यू नो पार्टी गेस्ट जा रहे हैं तो आपको ये जो एक कुर्ता है लेकर ज़रूर से ट्राई करना चाहिए. मतलब काफ़ी अफोर्डेबल लगा मुझे. इसका कलर हर एक इंडियन स्किन टोन पे ये कलर ज़रूर ही अच्छा लगता है. काफ़ी खूबसूरत सा इसका कलर भी है. ऑनेस्टली जब मैंने इसको पिक्चर्स में देखा था तो इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये आँखों से और भी ज़्यादा प्यारा कलर है. फैब्रिक है इसका ब्यूटीफुल सा कॉटन मिक्स रेयॉन विच इज़ रियली सॉफ्ट, नॉट सी थ्रू. मेरी हाइट पर यह है काफ लेंथ का कुर्ता. एंड आई थिंक अगर आप नियर फ्यूचर में कोई भी पार्टी अटेंड कर रहे हैं सो गिव दिस वन अ ट्राई, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस वन. अभी बात करूँ मेरे एक डेली वेयर कुर्ता की. सो दिस कुर्ता इज़ लाइक यू नो डस्की ऑरेंज कलर, तो कुछ इस तरीके का कुर्ता है. आपको इस पे मिलता है राउंड नेक और यहाँ पर आपको काफ़ी ब्यूटीफुल सी काफ़ी सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है इस पे भी. साथ ही साथ आपको मिलती है बेल स्लीव जो मेरे लिए ऑलमोस्ट फुल स्लीव हैं. ये है इसका जो कुर्ता है, इसका फैब्रिक है रेयॉन और मेरी हाइट पर यह है काफ लेंथ का कुर्ता. सो उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये कुर्ता फ्रंट से और बैक से वेट अ सेकेंड, ये है इसका बैक और ये है इसका फ्रंट. यहाँ से पूरा का पूरा प्लेन कुर्ता है और नीचे आपको फिर से बॉर्डर दिया हुआ है. ये भी ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी है, बेसिकली थ्रेड से लाइनिंग की गई है. तो ये कुर्ता ऐसा है जिसको आप डेली वेयर पे आराम से कैरी कर सकते हैं. इस पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यू नो बार बार वॉश होने के बाद फेड हो जाएगा या निकलने का डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आप इसको समर्स में बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है और बहुत ही कम्फर्टेबल है वेयर करने के लिए. तो अगर आप चाहें तो इसे अपनी पैंट्स के साथ या लेगिंग्स के साथ या आप जैसे पेयर करना चाहें प्लाजोस के साथ भी पेयर कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है. सो इसे ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट आई हैव इट्स ब्यूटीफुल कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट. इट्स ऑल्सो लाइक मिरर वर्क कुर्ता. तो उस पर सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखाऊं. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा यू नो जो एक मस्टर्ड कलर होता है, शायद आपको ये कैमरा पे येलो दिखे बट इट्स अ मस्टर्ड कलर कुर्ता विच इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ब्राउन. सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर है. तो देख सकते हैं आप इसको हल्का सा जो आपको ये ब्लिंक दिखाई दे रहा है ये बिकॉज ऑफ द इस पर जो मिरर वर्क है. साथ ही साथ इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क भी है जो कि पूरे फ्रंट सेक्शन में है. पीछे से ये कुर्ता पूरा का पूरा प्लेन है बट आगे के पूरे सेक्शन में ऊपर से लेकर नीचे तक आपको एम्ब्रॉयडरी प्लस मिरर वर्क मिलता है. साइड में आपको गोटा पट्टी की लेयर दी हुई है. ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है. आपको इसकी स्लीव पर कोई डिज़ाइन नहीं मिलती है, 3/4 स्लीव है इसकी. अगर बात करूँ इसके प्लाजो की तो प्लाजो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आगे और पीछे से दोनों साइड इलास्टिक मिलती है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में, बिल्कुल भी टाइट या लूज़ नहीं है. बेसिकली ऊपर से ये नीचे तक प्लेन है. उसके बाद जहाँ पे कुर्ता एंड होता है वहाँ से इस पर भी एम्ब्रॉयडरी और ये देखिए मिरर का वर्क आपको मिलता है. तो ये देखिए इसका जो प्लाजो है ये अप्रॉक्सीमेटली 15 इंच के घेर का है तकरीबन, और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है. ओवरऑल ड्रेस दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती है बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हैवी है नहीं. और इस पूरी ड्रेस को कंबाइन करता है इसका दुपट्टा जो कि बेसिकली नेट फैब्रिक पर है जिसमें बीच बीच में सीक्वेन का वर्क है. ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा दुपट्टा है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लाइट वेट है और एंड में आपको पूरे दुपट्टा पर यहाँ पर
बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखिए ये पूरे दुपट्टा में लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर लटकन मिलती है जो कि इस पूरी ड्रेस को एक स्पेशल लुक देती है। तो मेरी माने अगर किसी फ्यूचर में कोई भी पार्टी अटेंड करने वाले हैं, येलो कलर आपका फेवरेट है या फिर ओकेजन ऐसा है जहाँ पर आपको येलो कलर पहनना हो या फिर आपका मन है पहनने का, सो गिव दिस ड्रेस अ ट्राई, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं बात करने जा रही हूँ मेरे एक एम्ब्रॉयडरी कुर्ता की। Alright, so next I have this embroidery kurti which is a dark green color kurti और इस पर आपको white color से embroidery मिली है। तो embroidery इस कुर्ता की जान है, काफ़ी खूबसूरत embroidery है। It comes with boat neck, उसके बाद ये देखिए embroidery आपको छोटे छोटे sections में पूरे front कुर्ता पर मिलेगी, यहाँ तक देखिए नीचे तक पूरे साइड पूरे कुर्ता पर embroidery है। स्लीव आपको मिलती है बेल पैटर्न की, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश लगती है। बैक सेक्शन में ये पूरा का पूरा कुर्ता प्लेन है। फैब्रिक की बात करें तो इट्स कॉटन मिक्स रेयन, अगेन इट्स रियली कंफर्टेबल टू वेयर, और साथ ही साथ अगर आप इस कुर्ता को वेयर करते हैं लेगिंग्स के साथ ये तो भी अच्छा लगेगा, शरारा के साथ अगेन अच्छा लगेगा, प्लाजो के साथ भी ये कुर्ता अच्छा लग रहा है। तो आप इसको मल्टीपल तरीके से वेयर कर सकते हैं, किसी मेहंदी के फंक्शन में वेयर कर सकते हैं, अगर आप इसे एक्सेसराइज करेंगे सो इट विल गिव योर पार्टी लुक, सिंपल रखेंगे तो आप इसको यू नो डेली वेयर या फिर एक लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स गेट टुगेदर में भी वेयर कर सकते हैं। आई थिंक ये कुर्ता आपको ज़रूर से लेकर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, जो इसका कलर है वो समर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत है, और साथ ही साथ इसका जो ओवरऑल लुक आता है पहनने पे मुझे वो भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो या इट्स अ 10/10 पीस फ्रॉम माई साइड, पसंद आए तो जाइए इसको ज़रूर से लेके बाय कीजिए। नेक्स्ट आई हैव अ डेली वेयर कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट। सो ये है वो सेट, बात करते हैं सबसे पहले कुर्ता की, और इस पूरे सेट का जो फैब्रिक है ये है कॉटन। तो इसमें ये है पिंक कलर का एक प्रिंटेड कुर्ता, बेसिकली इस पूरे के पूरे कुर्ता पे आपको कमल के फूल का प्रिंट बना हुआ है, पिंक कलर का है, और उसके बाद देख सकते हैं आप आगे और पीछे प्रिंट है दोनों साइड। यहाँ पर आपको बटन्स का पैटर्न मिला हुआ है, बट ये बटन्स नहीं खुलते हैं, ये सब पैटर्न दिया हुआ है। इसमें जो गला है वो सफिशिएंट बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। यू नो डेली वेयर के लिए ऐसे कुर्ताज़ अच्छे लगते हैं जिनका गला ज़्यादा डीप ना हो, क्योंकि फिर वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। सो दिस वन इज़ सफिशिएंट डीप, नॉट टू हाई नॉट टू लूज़। तो उसके बाद आपको मिलेगी 3/4 स्लीव, स्लीव के एंड पे भी बॉर्डर है, और उसके बाद मेरी 5/3 की हाइट पर ये है एक स्ट्रेट पैटर्न का कुर्ता जो मेरे लिए है काफ लेंथ का। इस कुर्ता पे सबसे अच्छी बात लगी कि ये एक कंफर्टेबल कॉटन फैब्रिक है। कुछ कॉटन फैब्रिक होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, सो दिस वन इज़ लाइक अ परफेक्ट, नॉट लाइट लाइक नॉट डेंस, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका, वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। और सेम जाता है इसके प्लाजो के लिए भी, प्लाजो का जो फैब्रिक है वो भी है कॉटन, और ये देखिए इलास्टिक पैटर्न आपको दोनों साइड मिलता है, प्रिंट आपको पूरे के पूरे कुर्ता प्लाजो पे मिलता है। उसके बाद आगे से ये थोड़ा सा पैंट स्टाइल का है, ये बहुत ज़्यादा घेर वाला नहीं है। पर्सनली मुझे लाइक पैंट स्टाइल के प्लाजो से ज़्यादा जो नॉर्मल प्लाजो होते हैं वो पहनने पे अच्छे लगते हैं, बट इसका लुक पहनने पे इस प्लाजो के साथ अच्छा लग रहा है। मेरी हाइट पर ये है एक एंकल लेंथ का प्लाजो। अभी बात करें इसके दुपट्टा की, तो दुपट्टा पे थोड़ा सा हल्का सा एक यू नो कॉन्ट्रास्ट का वर्क दिया हुआ है, मतलब पूरे कुर्ता पे वैसे तो आपको पिंक कलर के प्रिंट मिलते हैं, बट इसमें ये देखिए बीच में आपको वाइट कलर का पैटर्न दिया हुआ है। फैब्रिक इसका भी है कॉटन, और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला कॉटन है, मतलब बिल्कुल भी हार्ड कॉटन नहीं है। तो ऐसे यू नो फैब्रिक को आप समर्स में लेके बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं, स्किन पे भी अच्छे रहते हैं, पॉकेट पे भी अच्छे रहते हैं, और ये ओवरऑल आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा यू नो सिंपल स्टाइलिश एक ही साथ आप दिखते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। सो या गाइस, ये थे मेरी इस हॉल के ब्यूटीफुल से सेट और एम्ब्रॉयडरी कुर्ता, सिल्किन कुर्ता, बहुत सारे वैरायटी के कुर्ता। आई रियली होप आपको ये मेरा कलेक्शन पसंद आया हो। पसंद आया सो यू नो व्हाट टू डू, लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आई अपलोड अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवर देयर टू। आई रियली होप आपको वो भी पसंद आएगा। मेरे प्रीवियस दो वीडियोज़ देखने के लिए आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है यहाँ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।